तो यहाँ पे आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे, विंडो एसेसरीज के बारे में। पिछले क्लास में हमने जो आपको बताया था क्या चीज़, फोल्डर हाइड और शो करना, यानी कि फोल्डर को छुपाना और उसे कैसे फिर से ला सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे आज विंडो एसेसरीज। इसमें आपको विंडो एसेसरीज में बहुत से यहाँ पे विंडो मिल, जैसे यहाँ पे कैलकुलेटर मिल जाएगा फर्स्ट में, उसके बाद में यहाँ पे कमांड कॉम्प्स मिल जाएगा, उसके बाद में नोटपैड, और भी इसमें बहुत से हैं। ठीक है, चलिए बारी बारी से हम सब जान लेते हैं कि विंडो एसेसरीज में हमारा क्या क्या चीज़ आता है। तो फर्स्ट हमारा ए में क्या चीज़ है, कैलकुलेटर है। तो कैलकुलेटर नॉर्मली हम क्या जानते हैं, केवल कैलकुलेशन करने के लिए। लेकिन जो यहाँ पे आपको कैलकुलेटर मिलेगा कंप्यूटर में, वो आपको स्टैंडर्ड कैलकुलेटर मिलेगा, जिसमें आप अपना डेट ऑफ बर्थ और भी बहुत से कैलकुलेशन यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे चलिए उसको देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेटर के बारे में लिखा हुआ है कि ए कैलकुलेटर इज ए डिवाइस डेट परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन नंबर्स, यानी कि ये कैलकुलेटर जो होता है एक डिवाइस होता है जो क्या परफॉर्म करता है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस को। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि द सिंपलेस्ट कैलकुलेटर्स कैन डू ओनली एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीपल एंड डिविजन, यानी कि जो सिंपल आपका जो कैलकुलेटर होता है वो क्या काम करता है, जोड़ घटाव और गुना भागा का काम करता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे दर्शाया गया है। अब चलिए कैलकुलेटर ओपन कैसे करते हैं। तो आपने अगर फर्स्ट वीडियो हमारा देखा होगा, जब मैंने शुरू किया था कंप्यूटर क्लास, तो वहाँ पे आपको बताया था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे ओपन करेंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप उसको ओपन कर सकते हैं। फिलहाल मैं फिर से यहाँ पे बता देता हूँ, ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट मेनू पे जाना पड़ेगा। स्टार्ट मेनू पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स में जाना है। ऑल प्रोग्राम्स में जाने के बाद में आपको कहाँ पे जाना है, एसेसरीज में। ठीक है, एसेसरीज में आपको जो है विंडो का जितना भी एसेसरीज है वो सब आपको मिल जाएगा। तो सिंपली हमको क्या ओपन करना है, कैलकुलेटर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैलकुलेटर सेकेंड नंबर पे है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। आप इसके लिए शॉर्टकट की का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब शॉर्टकट की का प्रयोग कैसे कीजिएगा, पहले रन कमांड ओपन कीजिए। रन कमांड ओपन करने का शॉर्टकट होता है आपको विंडो प्लस आर, विंडो के साथ आर प्रेस कीजिएगा, आपको यहाँ पे रन कमांड ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको डालना है क्या चीज़, CALC। ठीक है, कैलकुलेटर डालना है और यहाँ से इंटर मारना है। तो आपको यहाँ पे सिंपल कैलकुलेटर जो हमारा आता है वो आपको ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, अपने यहाँ पे जो जो चीज़ दिया हुआ है, जोड़ घटाव गुना भागा, मतलब जो भी निकालना चाहे, परसेंटेज रूट A to Z यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो ये निकालना आप लोगों को आता होगा। चलिए हम यहाँ पे आपको कुछ इससे हट के बताते हैं। तो यहाँ पे हम आपको डेट ऑफ बर्थ निकालना आज बता देते हैं। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए यहाँ पे तीन मेनू दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे व्यू दिया हुआ है, एडिट दिया हुआ है, हेल्प दिया हुआ है। तो हमको जाना है कहाँ पे, व्यू पे। जब व्यू पे जाइएगा तो यहाँ पे आपको बहुत तरह का कैलकुलेशन मिल जाएगा। स्टैंडर्ड में ऑलरेडी रहता है हमारा, उसके बाद में साइंटिफिक मिल जाएगा, प्रोग्रामर मिल जाएगा, यहाँ पे एस्टेटिक्स मिल जाएगा, हिस्ट्री मिल जाएगा, डायनामिक ग्रुपिंग मिल जाएगा, बेसिक। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे डेट कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको डेट कैलकुलेटर पे क्लिक कीजिएगा, या यहाँ से कंट्रोल प्लस ई कीजिएगा। तो हमने यहाँ से क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जो है इसका इंटरफेस ऐसे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको डेट कैलकुलेट करना है किसके किसके बीच में। तो यहाँ पे फर्स्ट जहाँ से हमको कैलकुलेट करना है उसको डालेंगे, और यहाँ पे लास्ट डालेंगे। तो लास्ट यानी कि ऑलरेडी आपका डाला हुआ है आज का डेट। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, मतलब जब भी आपका जन्मदिन हो वहाँ पे वो डेट डालना है। अब यहाँ पे कैसे डालेंगे, तो देखिए यहाँ पे कुछ डेट डाला हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, इसके बगल में यहाँ पे जो है एक एरो बना हुआ है, आपको क्या करना है, इस एरो पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक और डायलॉग बॉक्स आएगा, ठीक है, जिसमें यहाँ पे सितंबर 2019 लिखा हुआ है और 17 लिखा हुआ है। तो सबसे ऊपर जहाँ पे आपको मंथ और ईयर लिखा हुआ है, इस पे एक बार क्लिक करना है। जब क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे केवल मंथ आ जाएगा। एक बार और क्लिक कीजिएगा इस पे तो केवल ईयर आ जाएगा। ठीक है, उसमें से जो भी आपका जन्मदिन हो वो आप यहाँ से डाल लीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे एक डेट डाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक डेट लेता हूँ और यहाँ से मैं रेंडमली कैलकुलेट कर देता हूँ। तो ये हमने एक डेट डाल दिया। ठीक है, और कब तक कैलकुलेट करें, यानी कि आज के दिन में या किसी और साल का भी कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से जो है लास्ट डेट डाल दीजिएगा और यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको ईयर लिख दिया कि 21 ईयर, 11 मंथ और 6 डे।
ठीक है, यानी टोटल आपको कैलकुलेट करके बता दिया। यहाँ पे एक और चीज़ दे रहा है, क्या चीज़, यहाँ पे टोटल आपको डेज भी दे रहा है कि टोटल कितना डेज हुआ, ठीक है। तो इस तरह आप जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट एसेसरीज देख लेते हैं क्या चीज़ है। तो हमारा नेक्स्ट एसेसरीज है कमांड प्रॉम्प्ट्स, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, जैसे अभी तक हम जो है कोई भी काम करते थे, जैसे अपना कंप्यूटर शट डाउन करना हो या फोल्डर बनाना हो या A to Z हम यहाँ से विंडो के साथ, मतलब अपने विंडो के साथ करते थे। आज यहाँ से हम कमांड से सीखेंगे कि कोई भी काम करना हो तो कमांड से हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ए कमांड प्रॉम्प्ट्स इज एन एंट्री पॉइंट फॉर टाइपिंग कंप्यूटर कमांड्स इन द कमांड प्रॉम्प्ट्स विंडोज, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि आपको कोई भी काम करना हो तो आप क्या कर सकते हो, उसको टाइपिंग के द्वारा, मतलब यहाँ पे टाइप करके उसको कमांड दे सकते हैं। बाय टाइपिंग कमांड्स एट द कमांड प्रॉम्प्ट्स यू कैन परफॉर्म टास्क ऑन योर कंप्यूटर विदाउट यूजिंग द विंडो ग्राफिक्स इंटरफेस, यानी कि जो हम विंडो मतलब ग्राफिक्स इंटरफेस है, यानी कि जो इसका इंटरफेस है उससे हम जो काम करते थे तो वो जो है न करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टाइपिंग के द्वारा इसको कमांड दे सकते हैं। अब कैसे करेंगे, मान लीजिए हमको एक फोल्डर बनाना हो तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करते थे स्क्रीन पे, न्यू पे जाते थे और यहाँ से जो है फोल्डर पे क्लिक करते थे तो हमारे यहाँ से फोल्डर बनता था, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से हम कमांड से फोल्डर बनाएं तो इस फोल्डर को हम यहाँ से डिलीट करते हैं, ठीक है। यह हमारा फोल्डर डिलीट हो गया। अब हमको जो है कमांड प्रॉम्प्ट से बनाना है, तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कैसे करेंगे, पहले जाएंगे स्टार मेनू में, ऑल प्रोग्राम्स में, एसेसरीज में, और इसमें हमको यहाँ पे थर्ड नंबर पे मिलेगा क्या चीज़, कमांड प्रॉम्प्ट्स, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जब क्लिक कीजिएगा तो ऐसा एक विंडो ओपन होगा। अब देखिए इस विंडो में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी ड्राइव यूजर और डेल, और हम कुछ भी यहाँ से अगर टाइप करते हैं या बनाते हैं तो वो हमारे कहाँ जाएगा, हमारे कंप्यूटर के सी ड्राइव में जाएगा, उसमें जो यूजर अकाउंट होगा उसमें जाके यहाँ पे डेल में सेव होगा। देखिए हम आपको ओपन करते हैं, ये हमारा सी ड्राइव हो गया, यहाँ से हमारा यूजर हो गया, और ये डेल, इसमें जाके हमारा क्या होगा, वो फाइल सेव होगा। लेकिन हमको देखना है तो हम यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट करते हैं। अब डेस्कटॉप सेलेक्ट कैसे करेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे कमांड CD। देखिए यहीं से आपका कमांड शुरू हो जाता है। मैंने यहाँ से CD और डेस्कटॉप लिख के यहाँ से इंटर किया, ये हमारा देखिए चेंज हो गया। अब ये हम जो भी सेव करेंगे वो कहाँ सेव होगा, सी यूजर डेल और डेस्कटॉप में, यानी कि डेस्कटॉप आपका ये स्क्रीन पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम कौन सा कमांड देना चाहते हैं, तो आपको एक फोल्डर बना के दिखा देते हैं, ठीक है। फोल्डर कैसे बनाएंगे, उसके लिखेंगे MD, ठीक है। MD लिख के आपको जिस नाम से भी फोल्डर बनाना है वो नाम लिख देना है, ठीक है। जैसे मैं अपना नाम यहाँ से डाल देता हूँ, मैंने अपना नाम दिया, और जैसे ही इंटर कीजिएगा आपका यहाँ पे एक फोल्डर तैयार हो गया। देखिए यहाँ पे आ गया एक फोल्डर। इस तरह आप जो है जितना मर्जी उतना फोल्डर भी बना सकते हैं, या सबके लिए अलग अलग कमांड होता है, शट डाउन करने के लिए अलग होता है, रीस्टार्ट करने के लिए अलग होता है। जो भी कमांड यहाँ पे दीजिएगा उसको फॉरवर्ड करेगा, बस आपको कमांड आना चाहिए। मैं यहाँ से राम नाम का एक फोल्डर बना लेता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे एक और फोल्डर बन के तैयार हो गया। तो इस तरह आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए थर्ड हमारा क्या चीज़ है, थर्ड हमारा है नोटपैड। तो यहाँ पे नोटपैड के बारे में चलिए देख लेते हैं। नोटपैड इज ए जेनेरिक टेक्स्ट एडिटर इंडिकेटेड विथ माइक्रोसॉफ्ट विंडो डैट इनेबल्स समवन टू ओपन एंड रीड प्लेन टेक्स्ट फाइल्स, यानी कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपना क्या कर सकते हैं, इसमें टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो होता है विंडो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साथ ही ये इनेबल होता है, आता है, ये डलवाना नहीं पड़ता है। अब इसको कैसे ओपन करेंगे, तो इसके लिए भी स्टार्ट मेनू में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, एसेसरीज में जाएंगे, और यहाँ पे आपको नोटपैड मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे नोटपैड दिया हुआ है, आप रन कमांड से भी यूज कर सकते हैं नोटपैड लिख के। यहाँ पे आपको एडिटिंग मिल जाएगा, फॉर्मेट मिल जाएगा, यहाँ से अपना फॉन्ट जो है चेंज कर सकते हैं। फिलहाल इसका सबसे अधिक यूज होता है प्रोग्राम में, यानी कि HTML लिखने के लिए। बेसिकली आपको जो है HTML नोटपैड में ही लिखा जाता है, तो आपको इसकी मतलब आगे जो है बहुत अधिक काम में आने वाला है। लिखने के लिए आप जो है यहाँ पे जो ब्लिंकिंग कर रहा है कर्सर, इस पे आप लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहें यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है।
और इसको आप एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से। तो यही आपको दिया हुआ है। सेकेंड हमारा क्या चीज़ है, नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है साउंड रिकॉर्डर। अब ये साउंड रिकॉर्डर क्या काम करता है, हमारे साउंड को रिकॉर्ड करता है। ये कहाँ पे मिलेगा और कैसे होगा चलिए देख लेते हैं। पहले इसके बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसको जान लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। यू कैन यूज साउंड रिकॉर्डर टू ए साउंड एंड सेव इट एज एन ऑडियो फाइल ऑन योर क्या चीज़ कंप्यूटर। यू कैन रिकॉर्ड साउंड फ्रॉम डिफरेंट ऑडियो डिवाइस सच एज ए माइक्रोफोन दैट्स प्लॉगिंग इन टू द साउंड कार्ड ऑन योर कंप्यूटर। यानी कि कह रहा है कि आप इसके द्वारा साउंड रिकॉर्डर से अपना साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक माइक्रोफोन चाहिए, क्योंकि आपके कंप्यूटर में जो होते हैं वहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए मतलब साउंड निकालने या मतलब साउंड को इनपुट या आउटपुट करने के लिए कोई स्पीकर नहीं लगाता है। मान लीजिए अगर लैपटॉप है तो उसमें तो आपको होगा, लेकिन कंप्यूटर में आपका नहीं रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक माइक्रोफोन चाहिए जिससे आप जो है अपने साउंड को इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब चलिए इसको भी देख लेते हैं कि ये कहाँ पे है। तो इसके लिए स्टार्ट मेनू में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स, एसेसरीज, और इसमें हमको मिल जाएगा साउंड रिकॉर्डर। यहाँ पे ये साउंड रिकॉर्डर है, इस पर हम क्लिक करेंगे, ये हमारा साउंड रिकॉर्डर आ गया। अब यहाँ पे हमारा समय दिखा रहा है, अगर हम जैसे ही यहाँ पे रिकॉर्ड साउंड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा रिकॉर्ड होने लगेगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ से रिकॉर्ड करके दिखा देते हैं। फिलहाल ये रिकॉर्ड हो रहा है, यहाँ पे मेरा लैपटॉप है इसलिए इसमें माइक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो उसमें आप जो है माइक्रोफोन लगाइएगा, ठीक है, तब जाके ये काम करेगा। फिर इसको रोकना हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे फाइल सेव करने के लिए पूछेगा, जो आप रिकॉर्ड किए हैं उसको कहाँ पे सेव करेंगे। तो जहाँ भी मर्जी वहाँ पे सेव कीजिए। मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया है और ओके कर दिया, यहाँ से इसको कट कर दिया। देखिए ये फाइल हमारा आ गया है, इसको आप सुन भी सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी है वो सब आपको समझ में आ गई होगी। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।